नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज 20 दिसंबर है और 20 दिसंबर वही ऐतिहासिक दिन जिस दिन नेशनल दस्तक की स्थापना हुई थी और आज 5 साल पूरे हो चुके हैं। आज नेशनल दस्तक की 5वीं वर्षगांठ है और नेशनल दस्तक की टीम की ओर से नेशनल दस्तक के जितने भी दर्शक रहे उन्होंने काफ़ी प्यार दिया, सहयोग रहा। जिस तरीके से हम समाज में, अगर हमारा 1% भी समाज के हित में अगर काम रहा हो तो आप सभी को उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज नेशनल दस्तक के जन्मदिन के साथ उनके संपादक शंभू कुमार सिंह का भी जन्मदिन है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप इन 5 वर्षों में आपके जीवन में नेशनल दस्तक क्या बदलाव लेके आया, और अगर बदलाव आया है कि समाज में, आपके पड़ोस में, देश में, अगर कुछ भी हम पॉजिटिव कर पाए, कुछ भी हम सकारात्मक कर पाए, कुछ भी हम 2% पत्रकार पैदा कर पाए, तो शायद ये नेशनल दस्तक की उपलब्धि महसूस होगी। और आज 5वीं वर्षगांठ है नेशनल दस्तक की। आई होप कि दर्शकों को हम कुछ ऐसा दे पाए समाज में कि आने वाले पीढ़ियों के वो काम आए, आने वाले देश के हित में काम आए। और मैं इसके साथ ही कहना चाहूँगी कि पत्रकारों की दशा आखिर क्या हो गई है। लगातार जिस तरीके से अनमोल प्रीतम के साथ बदतमीजी हुई, उत्तर प्रदेश पुलिस का दुर्व्यवहार रहा हो अनमोल प्रीतम के दौरान, किस तरीके से पत्रकारों पर लगातार जो अत्याचार होते हैं, ये रिपोर्टिंग के दौरान उनके साथ बदतमीजी की जाती है, वो बेहद शर्मनाक होती है। क्योंकि सवाल करने के बदले आपके साथ इस कदर हैरेस आपका होता है, मेंटली हैरेस होता है, फिजिकली हैरेस होता है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। दमोह नायक की रिपोर्टर बबीता के साथ जिस तरीके से बदतमीजी की जंतर मंतर पर, वो बेहद शर्मनाक है। और जिस तरीके से शंभू कुमार सिंह के घर पे लोग रेकी करने आते हैं, ये भी बेहद शर्मनाक है कि क्या पत्रकार जो है वो सरकार से सवाल करते हैं तो क्या वो महफूज नहीं रह सकते? ये हमारी प्रशासन व्यवस्था सरकार का साथ देने पर क्यों उतारू हो गई है उनको, जबकि पत्रकारों का साथ देना चाहिए। गोदी मीडिया तो सरकारों की खबर नहीं दिखाएगी, वो रोटी, रोजगार, स्वास्थ्य पे बात नहीं करेगी, लेकिन जो लोग आपके हक अधिकारों की बात करते हैं, जो लोग आपके सवालों को सरकार तक पहुंचाते हैं, जो लोग अपने परिवार को, अपनी जान को दांव पे लगाकर आपके लिए सवाल करते हैं, आपके लिए जी जान दिन रात, ठंड हो, गर्मी हो, सर्दी हो, रातों को सड़कों पर रहते हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आप तक जो गोदी मीडिया नहीं पहुंचा रहा है, शायद वो सोशल मीडिया के थ्रू आप तक पहुंचे। और वही काम शंभू कुमार सिंह ने किया, वही काम नेशनल दस्तक ने किया, वही काम दमोह नायक की रिपोर्टर बबीता गौतम कर रही हैं। लेकिन बदले में क्या मिल रहा है, बदले में इस देश के नागरिक क्या दे रहे हैं, वो आप अंदाज़ा लगाइए किस तरीके से उनके साथ बदतमीजी होती है। तो ऐसे समय में हमें उन लोगों की आवाज़ बनना चाहिए ताकि नेशनल दस्तक को, दमोह नायक को, तमाम सोशल मीडिया की बात करें, वो मजबूत बन पाए और समाज को एक नई दृष्टि प्रदान कर पाए। और इन सब चीज़ों को लेके आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय ज़रूर दें। और 5वीं वर्षगांठ है आज नेशनल दस्तक की, और नेशनल दस्तक ने आपके जीवन में क्या बदलाव लाया, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं आखिर वो सोच किस हद तक सोचते हैं। जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आप बोल नहीं सकते, और आपको बोलने के लिए, आपको जीवित रहने के लिए आपको शब्दों की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।